हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने 46 पीसेस का मैंने ये कलर बॉक्स मंगा रखा है। इसमें देखिए 12 कलर पेंसिल है, वैक्स है और 6 पेन है, वाटर कलर है, ब्रश है, इरेजर है, शार्पनर है और ग्लू है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलो इसको ओपन करते हैं, ठीक है? देखिए कुछ ये प्लास्टिक का बॉक्स है, ये रीयूजेबल है, मतलब एक बार ऐसा नहीं है कि कलर कहाँ पे रखे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। और इसको ये देखिए इस तरीके से ये ओपन हो जाता है पूरा, ये देखिए, ये देखिए सबका अलग अलग सेक्शन हो गया। ये वाटर कलर हो गया, ये स्केच हो गया, ये पेंसिल कलर हो गया, प्लस ये क्रेयॉन्स हो गए, इसमें इरेजर है और यहाँ पे साथ में ये देखिए कटर दे रखा है और एक ये इन्होंने अटैच दे रखा है इसमें। तो एक बार इसका यूज़ करके देखते हैं कि कलर्स कैसे हैं। तो चलो इसमें एक बार ड्रॉ करके देखते हैं कि ये कलर्स कैसे हैं। तो ये मैं पेंसिल कलर लेके देख रही हूँ कि ऐसा है। तो पेंसिल कलर उतना बढ़िया नहीं है, स्केच तो सही था लेकिन ये देखिए बहुत लाइट है, जबकि ये कलर है डार्क ग्रीन, तो ये उतना अच्छा मुझे नहीं लगा। अब मैं क्रेयॉन्स को एक बार चेक कर लेती हूँ। क्रेयॉन्स तो इसका सही है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि कलर करते वक्त कुछ इसमें बालू जैसा लग रहा है, फ्लो स्मूथ है इसका। और वाटर कलर भी मुझे सही लग रहा है, तो ओवरऑल मुझे ठीक ही लगा ये। बस एक मुझे पेंसिल कलर इतना इसका पसंद नहीं आया, बाकी ये मुझे ओके टाइप का लगा। तो अगर आप भी ये परचेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रिफर करूँगी कि आप इसको पूरा कॉम्बिनेशन लेने से बेटर रहेगा कि आप इसको सेपरेट सेपरेट लें, क्योंकि कॉम्बिनेशन में फिर एक प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है, बाकी ठीक है लेकिन उतने बेस्ट नहीं है। इन्होंने इसकी बॉक्सिंग में ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इसमें इन्वेस्ट किया है, बजाय जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है उसमें मुझे इसकी क्वालिटी वाइज इतना बढ़िया नहीं लगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।